अरात्य सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से बहो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अरात्य सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से बहो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, हिमातृतुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समज्वला समप्रभा स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। और मैं कहना चाहता हूं कि आंधिया नहीं कि जिसमें उमंग भरती है, और छातियां जहां संगीनों से डरती है, और शोणित के बदले अशु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इस हमले के अंदर जिसमें न जाने कितने पिताओं के पुत्र खो गए, न जाने कितनी सुहागिनों के सुहाग खो गए, न जाने कितनी बहनों के भाई खो गए, उसके अंदर हमें यह समझना पड़ेगा कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, अरे दर्द भला वो क्या जाने कि हमने उठाया ही नहीं, और कितनी महंगी है देशभक्ति या आप और हम क्या जाने, खून कतरा भी इसकी चाह में हमने बहाया नहीं, खून कतरा भी इसकी चाह में हमने बहाया नहीं। मैं सभी युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा एक कविता के माध्यम से कि माँ चाहती बलिदान तेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा, ये भीगे हुए शोणित थे ये रक्त कण आज क्यों सूखे पड़े हैं, माँ चाहती बलिदान तेरा, भीगे हुए शोणित थे ये रक्त कण आज क्यों सूखे पड़े हैं, माहित सुन समर ये मुखड़े क्यों रुखे पड़े हैं, डरने लगे हो मौत से, डरने लगे हो मौत से, डरने लगे हो मौत से, सत्य है अनुमान मेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा, अरे कश्मीर का बड़ा भाग क्यों पाक के कब्जे में है, और हजारों मील भूमि पर क्यों चीन का खेड़ा लगा है, उस सियाचिन को लेने क्यों इस पाक ने किया बखेड़ा है, यूं निर्दोष सैनिकों को मारने, निर्दोष सैनिकों को मारने का कब तक चलेगा खेल तेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा, और बोल बोल चित्तौड़ बोल वह रजपूती जोश कहाँ, बोल बोल चित्तौड़ बोल वह रजपूती जोश कहाँ, कहाँ प्रताप कहाँ पद्मनी नेवाड़ी जय घोष कहाँ, बोल बोल चित्तौड़ बोल वह रजपूती जोश कहाँ, कहाँ प्रताप कहाँ पद्मनी नेवाड़ी जय घोष कहाँ, ऐसे शहीदों को खोजता है ये अरमान मेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा, अरे रक्त क्या इन धमनियों का, रक्त क्या इन धमनियों का उफान धीमा पड़ गया, या वीरता की आई पतझड़ शौर्य सारा झड़ गया, रक्त क्या इन धमनियों का उफान धीमा पड़ गया, या वीरता की आई पज्जर शौर्य सारा झड़ गया, या सत्य की भारत देश क्या फिर गया धीमान तेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा, माँ चाहती बलिदान तेरा। और ऐसे समय में दोस्तों जब पूरे राष्ट्र का खून उबाल पर है, तो आप मुझ जैसे युवा शायर की आप पंक्तियां सुनिए कि हम चाहें तो काले दर्पण पे भी दाग लगा सकते हैं, और हम चाहें तो सहरा में भी बाग लगा सकते हैं, और हम शायर हैं हमें मशालों की जरूरत नहीं, हम अपने लफ्जों से ही आग लगा सकते हैं, और उसी राष्ट्रभक्ति की आग मैं आप में लगाना चाहता हूं, और तमाम युवाओं का मैं आह्वान करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, अपनी खुदी में पहले तो तू खुददारी पैदा कर, हदे जुनून तक उसमें एक खुमारी पैदा कर, और ये मोमबत्तियां और मशाले खुद ब खुद जल उठे, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर, अपने वजूद में वो चिंगारी पैदा कर। अभी भी अगर हमारा राष्ट्र नहीं उठता है और इन शहादतों का बदला नहीं लेता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो सही समय आ गया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली हर गांव में हर सड़क में हर नुक्कड़ में हाथ उठाते हुए अब लाश चलनी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, जिस तरफ वो आग लेकिन आग होनी चाहिए। की सियासत है मुठोटों की तो क्या धोखा नहीं होगा, कभी भी राम का रहमान का सौदा नहीं होगा, हमारा कत्ल कर दो शोक से मंजूर है, लेकिन शहीदों के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शहीदों के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। और एक सैनिक जब शहीद होता है
तो एक बच्चे की किलकारियर होती है, एक पत्नी की सुहाग उजड़ता है, बहन की राखी उजड़ती है, और उसके बाद भी देश के सियासत के लोग ये कहते हैं कि शहीद तो मरने के लिए ही होते हैं, कि महज अफवाह से कानून की बोली लगाते हैं, महज अफवाह से कानून की बोली लगाते हैं, जो सूरज के अमिट जुनून की बोली लगाते हैं, कभी उनका कोई अपना मरे तो दर्द समझेंगे, जो पैसों से हमारे खून की बोली लगाते हैं, जो पैसों से हमारे खून की बोली लगाते हैं। और देश में जो शहीद होते हैं उनके पाँच पाँच साल के, छः छः साल के मासूम बच्चे थे। मैं एक मासूम बच्चे को प्रतिरूप बनाकर एक कविता पढ़ता हूँ, और जो हजारों शहीदों के बच्चों की गाथाएं हैं, उनके परिवार की गाथाएं हैं, मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। देश के सैनिक का दर्द उसके परिवार का दर्द, हमारा दर्द कौन जाने बताओ, हमारी व्यथा कौन माने बताओ, हमारा दर्द कौन जाने बताओ, हमारी व्यथा कौन माने बताओ, हमारे बदन में लगी है जो अग्नि, आएगा इसे कौन बुझाने बताओ, हमारा दर्द कौन जाने बताओ, हमारी व्यथा कौन माने बताओ, मेरे दादाजी की बरसती है आँखें, मेरी दादी जी की तरसती है सांसें, मेरे दादाजी की बरसती है आँखें, मेरी दादी जी की तरसती है सांसें, बिलखता हुआ एक मासूम बोला, मेरे उड़ने से पहले काटी जो पांखें, मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ा जिन्होंने, सबक उनको क्या क्या सिखाने बताओ, हमारा दर्द कौन जाने बताओ, हमारी व्यथा कौन माने बताओ, सियासत से मासूम हर बात कहता, वो दादा वे दादी के जज्बात कहता, सियासत से मासूम हर बात कहता, वो दादा वे दादी के जज्बात कहता, तड़पता हुआ एक सैनिक का बेटा, वो राजा व रानी से दिन रात कहता, कई जालिमों के बड़े हौसले हैं, मेरे मुल्क को ही मिटाने चले हैं, कई जालिमों के बड़े हौसले हैं, मेरे मुल्क को ही मिटाने चले हैं, जो जीवन को बारूद
से खेलते हैं, उन्हें भी तो जलने के मायने बताओ, हमारा दर्द कौन जाने बताओ, हमारी व्यथा कौन माने बताओ। लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और माधुरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। आज हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए दोस्तों, अपने छोटे मोटे वैर भाव भुला के हमें देश के लिए बात करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए हमें, तो कहता हूँ कि बंद पड़े दिल के दरवाजे, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब से इसे मत तोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणा के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठें खोलो, भारत माँ की जय बोलो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विसु तिरंगा प्यारा, इस पर हमने सब कुछ वारा, नौछावर है प्राण हमारा, और भी कुछ चाहत हो तो भारत माँ खुल कर बोलो। और एक चेतावनी देना चाहता हूं साहब आप सब की तरफ से उस दुश्मन को, कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, और एक अदना सा बच्चा है पाकिस्तान हमारा, और ऐसा समझाएंगे इसको जो समझे हर एक इशारा। बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है, देश पर जब भी विपदा आए, देश पर जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है, देश पर जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है, तन मन धन से सेवा करके, तन मन धन से सेवा करके लाखों जान बचाती है, जब भी सेना आगे बढ़ती, जब भी सेना आगे बढ़ती झंडे गाड़ के आती है, झंडे गाड़ के आती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, जब भी दुश्मन सेना फुकारे, जब भी दुश्मन सेना फुकारे सेना करती है हुंकारे, सेना भरती है हुंकारे, विश्व शांति अभियानों में, विश्व शांति अभियानों में सेना ही अपना परचम लहराती है, सेना ही अपना परचम लहराती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखला कर लाख तन मन धन से सेवा करके लाखों जान बचाती है।